हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक है, हमें जीएसटी में क्या क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कितने पीरियड तक अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, क्या क्या रिकॉर्ड्स हमें रखने होंगे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कंपोजिशन डीलर के लिए क्या रिकॉर्ड्स कंपलसरी हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर के लिए, रजिस्टर्ड डीलर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, क्या रिकॉर्ड्स कंपलसरी हैं, एंड अनरजिस्टर्ड के लिए भी क्या कंपलसरी हैं या रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेरी या कंसर्न हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हमने इसे तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। रजिस्टर्ड सप्लायर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कंपोजिशन डीलर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सप्लायर या कस्टमर डिटेल्स में क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। तो रजिस्टर्ड सप्लायर और कंपोजिशन डीलर को कंप्लीट नेम एंड कंप्लीट एड्रेस रिकॉर्ड में रखना होगा सप्लायर का या कस्टमर्स का। अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड डिटेल कंप्लीट रिक्वायरमेंट होगी रजिस्टर्ड डीलर एंड कंपोजिशन डीलर से। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई जो हो रही है वो भी रजिस्टर्ड सप्लायर एंड कंपोजिशन डीलर को कंप्लीट रखनी पड़ेंगी, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन करने होंगे रजिस्टर्ड सप्लायर को एंड कंपोजिशन डीलर को। अकाउंट ऑफ स्टॉक, अकाउंट ऑफ स्टॉक क्या हुआ जिसमें पूरी डिटेल्स होगी, ओपनिंग बैलेंस, कितना रिसीव हुआ, कितना सप्लाई किया, कितना गुड्स लॉस्ट हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ किया या डिस्पोज किया बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। तो ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे रजिस्टर्ड डीलर को। कंपोजिशन डीलर एंड अनरजिस्टर्ड डीलर इस चीज़ से एग्जेम्प्ट हैं। मतलब बाकी चीज़ें तो कंपोजिशन डीलर को चाहिए थी, लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई या स्टॉक ऑफ गुड्स की डिटेल तो कंपोजिशन डीलर को भी रखनी है, लेकिन अकाउंट्स ऑफ स्टॉक जिसमें ए टू जी डिटेल हो, लाइक ओपनिंग बैलेंस, रिसीप्ट, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट, ये सारी डिटेल्स के साथ जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये डिटेल्स रखनी होंगी रजिस्टर्ड सप्लायर को। कंपोजिशन डीलर को ये डिटेल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट पर आते हैं। रजिस्टर्ड सप्लायर को रिक्वायरमेंट होगी लेकिन कंपोजिशन तो ITC ले ही नहीं सकता तो उसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अनरजिस्टर्ड डीलर को भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आउटपुट टैक्स एंड पेवेल एंड पेड, ये रजिस्टर्ड सप्लायर को भी अकाउंट रखना होगा एंड कंपोजिशन डीलर को भी रखना होगा, अनरजिस्टर्ड डीलर को ये भी नहीं रखना। अकाउंट्स ऑफ टैक्स में क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगी। टैक्स पेवेल जो रिवर्स चार्ज के अंडर में भी टैक्स आ रहा है वो भी कवर्ड हो जाएगा इसमें। कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना पे किया, कितना इनपुट टैक्स हुआ, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, ये सारी डिटेल्स चाहिए रजिस्टर्ड डीलर को भी, कंपोजिशन डीलर को भी। अनरजिस्टर्ड को ऐसी कोई डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ रजिस्टर भी मेंटेन करने होंगे। रजिस्टर कौन कौन से, टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, जो भी इशू या रिसीव किए हैं ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड, इसकी डिटेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर एंड कंपोजिशन डीलर दोनों को रखनी होगी, अनरजिस्टर्ड को नहीं रखने। रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाईज की बात करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई कौन से, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फिर जो RCM को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी भी डिटेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर एंड कंपोजिशन डीलर को रखनी होगी, अनरजिस्टर्ड को नहीं रखनी। एडवांस की डिटेल्स भी रजिस्टर्ड सप्लायर एंड कंपोजिशन डीलर को रखनी होगी, अनरजिस्टर्ड को ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखने होंगे, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड ईवे बिल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन होने चाहिए रजिस्टर्ड सप्लायर एंड कंपोजिशन डीलर के पास, ये विद सीक्वेंस एंड इसका रजिस्टर भी मैंने बताया था मेंटेन करने होंगे। तो ये रूल 56(1) और 4 में डिटेल्ड है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी अभी बताई थी इसमें अनरजिस्टर्ड के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ रिटेंशन की, कितने पीरियड तक हमें अकाउंट्स रखने होंगे। Until the expiry of 6 years from the due date of filing annual return of the financial year, मान लीजिए 31 मार्च 2018 के financial year की जो due date है annual return filing की, उसके ख़त्म होने के बाद 6 सालों तक हमें ये records maintain रखने होंगे।
किसे रखने होंगे, रजिस्टर्ड डीलर को या कंपोजिशन डीलर को, अनरजिस्टर्ड को नहीं रखने। अब बात करते हैं, अगर किसी पर्सन या पार्टी के अपील या रिवीजन में केस चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसको कितने साल तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, उसे 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल, जो फाइनल ऑर्डर हो जाता है उसके 1 ईयर तक, या फिर जो पहले बताया था मैंने, अनटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो भी बाद में हो। मतलब या तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के 6 साल के बाद, या 1 साल आफ्टर फाइनल डिस्पोजल, जो भी बाद में आए तब तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। आगे चलते हैं, ओनर, वेयरहाउस ऑपरेटर, गोडाउन, स्टोरेज ट्रांसपोर्टर, ये सारे अगर कैटेगरी में कोई भी पर्सन फॉल कर रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो या कंपोजिशन डीलर हो, उसे कंसाइनर कंसाइनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। ये केवल एक कैटेगरी है जिसमें सभी लोगों को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, चाहे रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो या कंपोजिशन डीलर हो, कंसाइनर कंसाइनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अनरजिस्टर्ड के लिए एक और कंडीशन है कि उसे फॉर्म GST ENR 01 भी सबमिट करना होगा, जिससे उसमें डिटेल्स वगैरह फिल होगी कि किस किस के ये मटेरियल या स्टोर में सामान है, कंसाइनर कंसाइनी की क्या क्या डिटेल्स हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर उसमें सबमिट करेगा। आगे चलते हैं, करेक्शन रेक्टिफिकेशन अगर किसी एंट्री या अकाउंट्स में करना है, तो इरेज करके या ओवरराइट करके ये एंट्री नहीं होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ करनी है तो उसका एक्चुअल रिकॉर्ड या लॉग मेंटेन होना चाहिए कि ये करेक्शन था, ये मिस्टेक हुई थी, इसके बाद ये करेक्शन है। मान लीजिए एक एंट्री आपसे कोई गलत हो गई, तो वो एंट्री डिलीट ना करके उस एंट्री को रिवर्स कीजिए, उसके बाद नई जो सही एंट्री है उसे डालिए। सिंपल है कि कोई भी रजिस्टर अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स में इरेज या ओवरराइट नहीं करेंगे कोई भी इनकरेक्ट एंट्रीज को, लेकिन इसे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे, जिससे लॉग मेंटेन हो सके कि क्या गलती थी क्या नहीं थी। आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड डीलर है और वो एक्सीड करता है टर्नओवर 20 लाख से या 10 लाख स्पेसिफाइड स्टेट्स में, तो उसे तो रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, उसे उसके अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से, एंड ऑडिटेड अकाउंट्स की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी प्लस रिको अंडर सेक्शन 44(2). मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर अगर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बिकॉज ऑफ टर्नओवर लिमिट एक्सीड, तो उसे अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे CA या CMA से, और उसके बाद उसे सबमिट करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट प्लस ईको अंडर सेक्शन 44(2). सिंपल है, आगे चलते हैं। अब कैटेगरी वाइज बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को या वर्क कॉन्ट्रैक्ट को। मैन्युफैक्चरर को अकाउंट्स मेंटेन करने हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि क्या क्या क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करनी है, रॉ मटेरियल क्या क्या आया था या सर्विसेज क्या क्या यूटिलाइज किए हैं, उसके बाद क्या क्या मैन्युफैक्चर हुआ है गुड्स, और उसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या क्या मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन होनी चाहिए मैन्युफैक्चरर के पास। सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के पास अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए, क्या क्या गुड्स यूज किए हैं या क्या क्या इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज किए हैं और क्या क्या सर्विसेज सप्लाई किए हैं, इसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी होनी चाहिए। बुक्स एंड अकाउंट रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ मेंटेन होने चाहिए, अगर आपका एक से ज़्यादा प्लेस है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपने शो कर रखा है, तो रेस्पेक्टिव प्लेस के अकाउंट्स रेस्पेक्टिव प्लेस पर होने चाहिए। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हैं तो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो जो लोकेशन के अकाउंट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो हमने अभी पहले भी बात की थी कि सप्लायर एंड कस्टमर की डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए, तो ए पॉइंट और ई पॉइंट में वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसके नाम पर एग्जीक्यूट किया है और जहाँ से हमने सप्लायर से सर्विसेज रिसीव की हैं उनके नेम एंड एड्रेसेस चाहिए। बी ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, क्या क्या सर्विसेज या गुड्स हमने लिए हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी में क्या क्या गुड्स या सर्विसेज हमने यूज कर ली है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी में जो हमें पेमेंट रिसीव हुई है
अगेंस्ट ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसकी डिटेल मेंटेन होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट मैंने बता ही दिया कि सप्लायर का नेम एंड एड्रेस जिससे हमने गुड्स या सर्विसेज ली है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगर हमारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप होना चाहिए जिससे कोई भी नेचुरल कैलामिटी आए जैसे अर्थक्वेक वगैरह तो हमारा बैकअप में डेटा सेव रहे, वो लॉस्ट ना हो। अगर कभी भी कोई स्क्रूटनी या केस होता है या फिर कभी भी एक साथ सर्च एंड सीजर आता है तो ऑन डिमांड अरेंज कर सकें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फाइल में। अगर कोई भी डिमांड करे आईडी पासवर्ड कोई भी का मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल रेट या सर्च के टाइम पर तो फाइल्स के पासवर्ड वगैरह अरेंज कर सके जिससे सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल हों। अगर कोई कोडिंग यूज कर रहे हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल होने चाहिए, मतलब ई रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड्स अरेंज होने चाहिए। फाइल्स एंड पासवर्ड ऑफ फाइल्स हमेशा अरेंज रहने चाहिए जिससे उस टाइम पर प्रॉब्लम ना आए। यही था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। आई थिंक अगर आपने ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये PPT भी चाहिए तो आप अपनी ईमेल मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये PPT प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट।